नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीबी न्यूज। राष्ट्रीय विकास मोर्चा पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पंचाला ने नामांकन किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से राष्ट्रीय विकास मोर्चा पार्टी के युवा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पंचाला ने नामांकन करने के बाद मीडिया से बात की। क्षेत्र की जनता का सहयोग पूरा मिल रहा है। मेरा सीधा मुकाबला भाजपा के वर्तमान सांसद मनोज तिवारी से है। आप और कांग्रेस दौड़ में नहीं है और वर्तमान सांसद मनोज तिवारी ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है, इसलिए क्षेत्र की जनता अब बदलाव करेगी। इस सीट पर 26% मुस्लिम वोट है, जिसे कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है, मगर कांग्रेस और भाजपा ने 26% मुस्लिम वोट के लिए कोई काम नहीं किया है। सफल होने के बाद उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से काम करूंगा और आप पार्टी झूठों की पार्टी है। भावना के साथ के सीट आप निकाल पाएंगे? देखिए, देश में बड़े बड़े नेता हुए और नेता आए, नेता चले गए। जितने भी नेता आए, सामाजिक उत्थान की बात करी, सामाजिक न्याय की बात करी। आज मैं इन तीनों पार्टियों से पूछता हूं, कहां पर सामाजिक उत्थान है बताइए? आज पार्टियां तीन, जाति एक, ये कहां का सामाजिक न्याय है? अगर कोई इस चीज का मेरे को जवाब दे दे तो आज हम जितने भी मेरे दलित भाई हैं, ओबीसी भाई हैं या माइनॉरिटी भाई हैं, सबको हम यही कहेंगे कि इन पार्टियों से पूछिए कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, कहीं पर वो सामाजिक न्याय, सामाजिक उत्थान दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तीनों पार्टी के प्रत्याशी समझ जाति के हैं, आप ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखिए, हमारी भूतपूर्व सीएम श्रीमती जी शीला दीक्षित जी, वर्तमान के सांसद मनोज तिवारी जी और यहां पर रूलिंग जो सरकार है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, यहां भी दिलीप पांडे हैं। तो मैं बात कहूंगी, तीनों पार्टियों से मैं कहूंगा कि सामाजिक न्याय की आप बात करते हो, सामाजिक उत्थान की बात करते हो, हमें वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है पूरे देश में। ये देश की राजधानी है उत्तर पूर्वी जिला, ये गरीबों से भरा हुआ है, पिछड़ों से भरा हुआ है, मुस्लिमों से भरा हुआ है। क्या इनको यहां पर कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया, या कोई ऐसी गरीब जाति दिखाई नहीं दी, या कोई ऐसा पीड़ित दिखाई नहीं दिया कि जिसका दर्द हम लोग सुन सके, बयां कर सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका मुकाबला तीन प्रत्याशियों से, तीनों प्रत्याशी अपने आप में धुंधा मान जाते हैं। कांग्रेस की उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, भाजपा से सांसद मनोज तिवारी जी, जो पहली बार दिल्ली के अंदर सांसद भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, दलीप पांडे जो रूलिंग पार्टी का खुद प्रत्याशी है, तो उन तीनों के बीच में आप इंडिपेंडेंट होने के नाते से किस तरह से मानते हो कि आप जनता के बीच में उनको डिफीट करते हो कि आप आगे आएंगे, और किससे आपका सीधा सीधा मुकाबला है? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला सीधा सीधा मुद्दों से है, यहां की आवाम से है, यहां की जनता से है। हम जनता से पूछेंगे कि आप लोग ही बताइए कि 5 साल हमारे सांसद जी यहां सांसद रहे, 15 साल मुख्यमंत्री हमारी शीला दीक्षित जी। यहां पर मुस्लिम आबादी जो है करीब करीब 26% के आसपास मुस्लिम आबादी है, और मुस्लिम भाइयों के लिए यहां पर, मुस्लिम माताओं बहनों के लिए यहां पर हमें एक ना तो स्कूल दिखाई दे रहा है, ना हमें पुलिस दिखाई दे रहा है, ना हमें हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। मैं वर्तमान सांसद से, वर्तमान सरकार से ये पूछना चाह रहा हूं और प्लस केजरीवाल से भी ये पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, यहां पर 25 से 26% आबादी हमारी मुस्लिम भाइयों की है, एक हमें महिला कॉलेज हमें चाहिए यहां पर, एक अच्छा हॉस्पिटल हमें चाहिए, एक अच्छी डिस्पेंसरी हमें चाहिए, और सबसे बड़ी समस्या यहां पर एक कब्रिस्तान की भी समस्या है। जैसे कि मैंने बताया कि 25 से 26% की यहां आबादी है, यहां पे वोटर है यहां पे, और एक छोटा सा कब्रिस्तान दिया हुआ है, और मुस्लिम समुदाय जो है आज करीब करीब 20 से 25 साल उनको अपनी डिमांड रखते हुए, मांग होते हुए हो गए कि एक हमें यहां पर एक अच्छा कब्रिस्तान हमें उपलब्ध कराएं, जिससे कि मुस्लिम जो समुदाय है वो एक मायूस स्थिति में है, वो अपनी बात और अपना अधिकार जो है मांगते हुए डर रहा है वो। तो मैं ये पूछना चाहूंगा मोदी जी से, केजरीवाल जी से, कि यहां पर आप वोट तो मांगने आ जाते हैं, वोट के बदले आप मुस्लिम समुदाय को क्या दे रहे हैं आप? बस मैं आज
इस आपके थ्रू आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा कि अगर मेरे को मुस्लिम समुदाय का आशीर्वाद मिलता है तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं करूंगा, 6 महीने के अंदर अंदर मैं इस बात पर चर्चा करके इस सीट पर हम लोग काम शुरू कर देंगे। पेश है दिल्ली से इरफान खान की खास रिपोर्ट।